और दिव्या जी है जैसे आम आदमी दुश्मनी काटे, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, राम राम सा। आज मैं बावड़ी आयोड़ो हाँ, बावड़ी मैंने अटे भाई धनारी रहा है, अजय जी यहाँ दुकान है, बैठा अटे जना मिल गया भाई युवा कार्यकर्ता आर एल पी रख देखो कहीं कहे कहीं नहीं कहे राम राम सा राम राम सा राम राम। तो साहब नाम कहीं आप पुखराज खुड़कुड़िया नाम है सर, 32 मील गाँव है साउथ को कल्ला। अच्छा, और एट बावड़ी में काम कर रहा हूँ। तो पुखराज जी मैं था नहीं हूँ पूछ पीरू था आर एल पी मीटिंग ही, तो पीरो नेतो जी बयानबाजी करी पाची काले दिव्या जी बयानबाजी करी के तो कहीं है ही को नहीं नहीं साहब की कर लागे थाने। देखो ऐडी बात है कि हनुमान जी है जगह आम आदमी रा हितेशी है, और दिव्या जी है जगह आम आदमी दुश्मनी काटे, ठीक है ना। तो आई बात मैं दिव्या जी ने कहनी चाहूँ आम आदमी का ही दुश्मनी काटो, दुश्मनी करनी तो आप बड़े आदमी करनी चाहिए हमेशा। नेता है बयानबाजी करता रहे बा कोई चीज़ को नहीं, ठीक है, लेकिन विकास रे मामले में मैंने दिव्या जी जैसे कि एमएलए बन गया तो बेसब्र वास्ते एमएलए बराबर होना चाहिए। कोई भी वो कोई भी आम आदमी है बिन वास्ते सबर वास्ते एमएलए बराबर होना चाहिए। आम आदमी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सबर वास्ते विकास बराबर होना चाहिए। आ चीज़ मैं कहनी चाहूँ हनुमान जी वजह ही बीजेपी 25 में 5 सीटा मारवाड़ी 5 सीटा माते हनुमान जी रो पूरा प्रभाव रही हो। बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जोधपुर माते तो पूरा प्रभाव हो हनुमान जी रे वजह ही जोधपुर सीट निकली है सांसद री। तो कई कह रिया है जैसे ओशियन महीने तो शून्य है आर एल पी वोट है कौन के बात आउनाला चुनाव में ध्यान पड़ जाए, आउनाला चुनाव में ध्यान पड़ जाए किन जितना ज़्यादा वोट है कितना ज़्यादा वोट नहीं है बात ध्यान पड़ जाए। हमें था मतलब बैठी उठी घूमो ही हो धान की कर लागे मतलब राजस्थान में कितनी सीटें आ सके आर एल पी मतलब यहाँ। देखो सीटा कितनी आई कितनी नहीं आई उन्हों ज़्यादा आप मोल भाव नहीं कर सका कि तो नहीं बता सका, लेकिन आते हैं कि आउना वाला 2024 महीने 2023 रा विधानसभा चुनाव और महीने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। ये कन्फर्म है। हाँ जी सर। तो कई कह रहे हैं भोपालगढ़ सीट हम जीरो है अभी कौन की कर लागे श्योर आएगी श्योर। परसों 2 तारीख को आपने देखा ही होगा भाई हनुमान जी की यहाँ सत्ता संकल्प यात्रा चल रही थी तो उस समय देखा ही होगा भीड़ आपने भोपालगढ़ में बहुत उन्होंने मतलब आपके विकास मतलब बहुत ज्यादा किया है मतलब सबसे ऊपर विकास किया आपकी बात मारवाड़ की सीटों से सबसे ज्यादा है ना सबसे ज्यादा पैसा अनुशंसा होने वाला भोपालगढ़ विधानसभा है सबको पता है वो तो आपकी जनता पूरा जानती है ना। दिव्या जी कल यूँ कह रहा के मारे जीतो किसान राजनीतियों ले जीतो विकास करे जीतो कोई नहीं करा सके यूँ और से हम कल घर जिया। देखो दिव्या जी पहली बार विधायक बने हैं तो उनको नया नया जोश है उनको अभी पता नहीं है, उनके दादाजी ने राजनीति की उनके पापा जी ने राजनीति की उनकी साफ राजनीति थी उनकी छवि अच्छी थी इसलिए लोग मानते थे उनको, ठीक है। वो अब पहले वाला दबंगे ही चलेगी नहीं अब जनता सब समझदार है जनता होशियार है, ठीक है। पहले अनपढ़ लोग थे तो उन पे कुछ भी चल जाता था और पहले परशुराम जी थे महिपाल जी थे उनकी स्वच्छ राजनीति थी वो साफ राजनीति थी वो किसी के साथ वो ऐसा नहीं है धोखा करते थे धोखा नहीं करते थे। ये दिव्या जी की जो राजनीति है कि भाई मुंह पे कुछ पीछे कुछ ऐसा नहीं चलने वाला अब जना मतलब यूँ कहो हम कह दिव्या जी कल है कि भाई अटे जगह नेड़े नेड़े क्षेत्र में नहीं आर एल पी मतलब बीजेपी हाथ है गठबंधन करूड़ो है सभा करावे नहीं देखिए बीजेपी वाला करावे है क्या भाई आर एल पी की है ही कौन काला बात कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आर एल पी अपने दम पे 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है राजस्थान की 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और मारवाड़ में तो 101% पूरा आर एल पी का ही प्रभाव रहेगा। पिछली बार भी 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 16 सीटों पर पूरा प्रभाव रहा था 3 विधानसभा में सीटें जीती और 9 लाख प्लस वोट आरएलपी ने लिए थे और उपचुनाव में देखा आपने उपचुनाव में बीजेपी को तीसरे नंबर पे घुसेड़ दिया वल्लभ नगर में जमानत जब्त हो गई वल्लभ नगर में 50,000 प्लस वोट लेके आए, ठीक है। तो मतलब कई हम बातें करे कैसे हनुमान जी बारे ओशियामैन फिरेन पर खेवरल सीट तो हार रिया है खुले आम कभी तो नहीं आरेंगे जिंदगी में नहीं आरेंगे, ठीक है। हां तो कहीं विश्वास हुई हो तो निकाल देना मन से निकाल देना जो भी भावना है मतलब है ना वो आप सब निकाल देना। देखो क्यों सर सीट ऐसी सीट है जिसमें सारे लोग जानते हैं कि किसने विकास किया है किसने नहीं किया है और किसने नहीं किया है। लगातार 3 बार विधायक बने हैं हनुमान जी वहाँ से, 4थी बार अपने नारायण जी भाई साहब को बनाया है उपचुनाव के अंदर विधायक बनाया है तो वहाँ की जनता जो है समझदार है, ठीक है ना।
वहाँ की जनता जानती है निर्दलीय विधायक। मैं तो बता आजकल जनता क्या सोचती है, जनता ये भाई पीछे वाली जनता ये सोचती है कि भाई जिसका राज है उसका विधायक बनाओ तो ज़्यादा काम होगा। लेकिन क्यों सर की जनता अपने से 10 साल आगे है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। वो इसलिए समझदार है क्योंकि उन्होंने निर्दलीय विधायक हनुमान जी को जिताया, उसके बाद मतलब हमेशा सरकार के विपक्ष का नेता जिताया अपने यहाँ से। क्यों सरकार के विपक्ष का नेता एक हनुमान एकमात्र ऐसा नेता है जो लड़ाई करके भी अपने क्षेत्र में विकास करवाता है। अभी देख लो मोदी जी के राज में भी अपने नागौर सांसद होते हुए भी नागौर में सबसे ज़्यादा सड़कें, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोलने वाला सांसद, सबसे ज़्यादा विकास करने वाला सांसद एकमात्र हनुमान बने वाला। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बोतल के ऊपर बयान करने वाले दिव्या जी को पूछ लो कि भाई उनके ओशो का टेम्परेचर कैसा है अभी। ठीक है अभी उनको पूछो अभी टेम्परेचर, कल परसों का टेम्परेचर कैसा है ओशो का। कल एक बार ने बयान दियो कि आरएलपी तो आने छोरा ने बिगड़े धान की कर लागे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ अपवाद हो जो मतलब आरएलपी को बदनाम करने के लिए आरएलपी के युवाओं के साथ मिल जाते हैं और वो गाड़ियां ऐसे चलाते हैं, इससे युवाओं की आरएलपी की बदनामी होती है। लेकिन उनको पहचानना होगा आने वाले चुनाव में, उनको पहचानना होगा और ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो धन्यवाद सर। ये बावड़ी से हैं आरएलपी के कट्टर कार्यकर्ता दोनों ही अजर जी ने आप, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आरएलपी आउनल टाइम है आपकी सरकार बनाई और ओशियन महीने कह रहा है हमारी बहुत ही पूरी मजबूतियों में चुनाव लड़ान जीता। तो मैं आप रो छोटो भाई कर्ण मारवाड़ी, राम राम सा, राम राम।